शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें से हम लोगों ने टोटल 88 लोगों को यहाँ से निकाला है। 88 में से 14 लोग जो है वो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है, बाकी 31 लोगों को डिस्चार्ज हो कर दिया है और कुछ लोग जो है अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। रात को हमें 2 बजे जब ये हाइड्रोलिक क्रेन की सहायता मिली तो क्रेन की सहायता से हमने 3 गिर्डर को उठाया था और 3 गिर्डर के नीचे हम लोगों ने जो 4 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स में दबे हुए 9 बॉडीज को निकाला, जिसको डॉक्टर ने फिर मृत घोषित किया। सर अभी कितने लोग फंसे हुए रह सकते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अभी 2 गिर्डर जो है हम लोगों ने अभी तक सर्च नहीं किए है, 2 गिर्डर के नीचे कुछ लोग फंसे होने की शक्यता है, मतलब हो सकते हैं, तो वो 2 गिर्डर हम लोग हाइड्रोलिक क्रेन के सहायता से उठा रहे हैं और जो क्रेन से सहायता से उठ जाएगा उसके बाद हमारा सर्चिंग ऑपरेशन शुरू होगा, फिर सर्च के बाद पता चलेगा कितने लोग वहाँ पे और फंसे हुए हैं। तो और कितना समय लगेगा सर्च ऑपरेशन का और क्या क्या तकलीफें आई सर्च करने के लिए? एक्चुअली ये मेटल है, मेटल को कट करने के लिए हमारे पास गैसोलिन कटर है और ऑक्सीफ्यूल कटर्स है, लेकिन हम लोग उसको यूज़ यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पूरा पेट्रोल और डीजल है, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो फायर का भी चांसेस, एक्सप्लोजन का भी चांसेस है, इसलिए हम लोग जो है मैन्युअली सब काम कर रहे हैं और हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये पहले तो रेस्क्यू करना जरूरी है और रेस्क्यू टीम यहाँ काम कर रही है, लगभग 57 लोगों को बाहर निकाला है और राजावाड़ी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, उसके उनके ऊपर उपचार शुरू है और रेस्क्यू टीम और भी कई गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई है उनको निकालना ये हमारी प्रायोरिटी है और जो भी क्रेन है, हाइड्रा है, सब यहाँ पर लगाया और अभी जो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, जो विदाउट लाइसेंस विदाउट परमिशन है उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।